Tennis Cricket dot in India's first tennis ball cricket website. शुरू किया गेंदी लेग स्टंप के बाहर और बाहर वेदांत और पूर्वजीत और एक बार अच्छी गेंद फॉल आउट के सभी फील्डर बैट्समैन के इर्द गिर्द खड़े फिर एक बार शॉट गेंद शॉट स्कोर लेते चांस हो सकता था एक आसान सा कैच हो सकता था स्ट्राइक रोटेट होने के बाद पूर्वजीत गली में से खेला दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया शॉट गेंदी लेकिन हाँ में खेला शॉट अलग गेंदबाज दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया फिर एक बार बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन के तरफ खेला हुआ जब तक फील्डर आते फील्ड करते थ्रो करते दोनों बैट्समैन नहीं कर कितना गिली भाई जी बाइक से एंटर है फिर एक बार बहुत ही अच्छा शॉट है दूसरा कवर में एक बार शॉट भी केयर फुल कर खेले फिर एक बार सलमान बहुत ही हैट्रिक पे फिर एक बार बहुत ही अच्छा शॉट मैदान के ये हमसे दूर जाते हैं दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और बाहर गेंद को फिर एक बार सलमान गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और गेंद लेग स्टंप के बाहर फिर एक बार बहुत ही अच्छा शॉट बहुत ही अच्छा शॉट तारी दयान की पहली गेंद दयान की पहली गेंद सर्वे के अंदर रोकी गई एक रन के लिए दौड़े एक रन ही पूरा हुआ शॉट पूर्वजीत खेलेंगे यहाँ पर विकेट कीपर पुलिस से हड़बड़ा गए और जांच का खतरा लेकिन खिलाड़ी कैच के नीचे नहीं पहुंचे खुद गेंदबाज दयान दयान की अगली गेंद राइट ऑफ ओवर द विकेट चौके मारने में पहले बल्ला और मजा बढ़ता जाएगा मुझे लगता है गेंद और बल्ले का टकराव हुआ ये बयान की जितनी तारीफ की जाए कम है सरप्राइज यहाँ पर बल्लेबाज टक्कर खा रहे हैं गेंद को मारना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से सरफराज गेंदबाजी की पैर को पार करते हुए सवाल और उसका फायदा उठाया गेंद में बाउंस बाउंड्री के बाहर एक्स्ट्रा कवर के बाहर और रन चार चार रन सकरम को सरफराज के ऊपर अटैक किया टारगेट किया सरफराज को राइट आर्म ओवर द विकेट सरफराज इस बार पूरी तरह से ढील खड़ा रहना होगा स्टैचू बनकर शॉट खेला फिर कवर दिशा में लेकिन फील्डिंग बेहतरीन साबित हुई गेंद के ऊपर ध्यान रखा बाउंड्री के पार गेंद आखिरी गेंद चौथे ओवर में सरफराज के द्वारा गेंद टप्पा करने के बाद विकेट की प्रयास नहीं ओवर असीम दौड़ेंगे छुपे रुस्तम गेंदबाज असीम दौड़ पड़े चार विकेट के नुकसान पे आसिम जी लेकिन गेंद सलमान के ऊपर टीम का स्कोर 40 रन राउंड फिगर
आठवीं मौका नहीं, ये लास्ट चांस है दो बॉल का, और शायद गेंदबाजी करनी पड़ेगी सागरी गिल थल को इसके बाद। शॉट खेला, दूसरे रन के लिए दौड़े, एक रन पूरा, और मुझे लगता है दूसरे के लिए कोई मौका नहीं, और इसी के साथ साथ पांच ओवर की इनिंग समाप्त। टॉस करना पड़ता है कमेंट्री बॉक्स जाऊंगा, ये कसत कर ले जी। एक तेज धारदार गेंदबाज इस गेंद को समझ नहीं पाए, में फिर एक बार अच्छी गेंद थी, लेकिन उतना ही अच्छा ऑल अलोंग का कारपेट खेला हुआ शॉट मिड विकेट की तरफ, जब तक मिड विकेट के फील्डर आते फील्ड करते थ्रो करते दोनों पे पांच चार बहुत अच्छी गेंद थी, तेज गेंद थी, विकेट कीपर चक जा रहा है, 42 रन बनाए थे सागरी गणेश पाल ने अपने पांच ओवर में, तो 43 रन की जरूरत है गेंदबाज। बल्ले का बाहर एक नारा लिया, फर्स्ट स्लिप में एक चांस हो सकता था, हालांकि कोशिश भी की थी, फिर एक बार लेकिन इस बार हवा में खेला शॉट, शॉट पॉइंट के फील्डर दौड़ना शुरू किया, दो बार बहुत ही अच्छा शॉट मिड विकेट की तरफ खेला, एक रन पूरा गया और चार रन से खेला हुआ शॉट था, फुल फेस ऑफ द बैट, एक बार लेकिन इस बार हवा में खेला हुआ शॉट एक हैट्रिक गेंद ही अच्छी कट लगले और हैट्रिक कोणता ही नवगाव व कुबेर अलिबाग या दोन संघांमध्ये टॉस होत आहे, या टॉस नाणेफेक करत आहेत वजीद तांडे सासण जी उद्या रे अच्छी गेंद हालांकि जबरदस्त अपील हुआ लेकिन बेस्ट नहीं बोलते ना कोई असर नहीं तू माझे म्हणून धन्यवाद लाई कप्तान जी, आपण मैदान जाऊया सर्व गोलंदाजांनी सादर केली या वेळेस आपल्या बाहेर जाणारा चेंडू मारण्याचा नक्कीच असेल प्राई तीच भावांपासून वंचित ठेवल्यानंतर एका षटकार लागल्यानंतर काहीच आत्मविश्वास पुन्हा एकदा एक फायदेशी गायला आहे आणि अशा प्रकारे तीन रनआउटच्या स्वरूपात आऊट परतोय पुन्हा एकदा जोरदार मारण्याचा प्रयत्न नवीन फलंदाज व्यवस्थित त्याने साकारलेली आहे यावेळेस तेच आपण पाहतोय आहे हे नक्कीच फलंदाजांनी ओळखायला हवं शॉटिंग पद्धतीचा चेंडू परंतु टप्पा घेतल्यानंतर ऑप्शन आणि एक परंतु जीवनदान आपण पाहतोय कायच याला एक जीवनदान मिळतोय पाहतोय चित्र पालटल्यासारखं आपल्याला इथं पाहायला मिळेल यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फलंदाज इथे तट धरू शकलेला नाहीये किंवा चांगली खेळ साकारू शकलेला नाहीये आणि त्याचा प्रत्यय आपण पाहतोय की या सामन्यावरती अगदी जवळ क्रिकेटमध्ये जर आपल्याला जिंकायचं असेल तर नक्की पार्टनरची पराकाष्ठा करावी लागेल कोणी आपण पाहतोय गोलंदाज यावेळेस नक्कीच जोरदार फटका परंतु कार्पेटच्या आधारावरती खेळून आपण पाहतोय लॉगॉनच्या क्षेत्रामध्ये सगळ्या क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये जाणार आहेत पुन्हा एकदा गोलंदाजा तत्पूर्वी ओसाई नवगाव आणि कुबेर अलिबाग अलिबाग या दोनच चेंडू शिल्लक आहेत तीन चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी मात्र कागद
आणि मग दोन तीन दिवसांनी लिव्हिंग बनवलं. यावेळेस मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू पंच अवांतर एंटर होते. यावेळेस पुन्हा एकदा जोरदार फटका खेळण्याच्या पवित्र्यात, परंतु मिडविकेट आपण समर्थन कक्षामध्ये यायचं आहे. आणि अशा प्रकारे आपण पाहतोय